बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रामबाग का टूर शेयर करने वाली हूँ। ये गार्डन नवी मुंबई उलवे में ही है। एक्चुअली उलवे अभी न्यूली डेवलप हुआ है एंड यहाँ का नेचर भी बहुत अच्छा है एंड इवन रामबाग भी बहुत कलरफुल है एंड वहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है, पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है एंड बहुत फ्रेश एयर आती है। यहाँ रामबाग में बहुत कलरफुल फ्लावर्स और ग्रीन प्लांट्स हैं एंड यहाँ पे खाने का भी बहुत अच्छा सिस्टम है। सो हम अराउंड शाम के 4 बजे निकले थे एंड धूप फिर भी बहुत ज़्यादा थी। सो ये हमारी बिल्डिंग के बाहर का व्यू है एंड यहाँ पे सामने ऑटो स्टैंड है एंड यहाँ से हम ऑटो लेंगे एंड फिर हम जाएंगे रामबाग। आप देख सकते हैं ये हमारे आसपास के टावर्स एंड बिल्डिंग्स हैं। सो हम रामबाग के लिए निकल चुके हैं। रामबाग ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। सो गाइज, अब हम पहुंचने वाले हैं रामबाग। ये रामबाग के पास एक गांव है शिवाजी नगर करके। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं एंड यहाँ की सीनरी भी बहुत प्यारी है। बट यू नो, धूप भी बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज अभी तो शाम के सिर्फ 4 ही बज रहे हैं, फिर भी धूप बहुत ही ज़्यादा है। सो गाइज, आप ये ब्रिज जो देख रहे हैं, आई थिंक ये डायरेक्टली मुंबई से कनेक्ट करेगी। सीरियसली फ्रेंड्स, यहाँ का नेचर बहुत ही प्यारा है एंड इवन हवा भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और अगर आप नवी मुंबई में हैं या नवी मुंबई घूमने आए हैं तो आप ज़रूर रामबाग आइएगा। रामबाग भी बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है। एंड इवन रामबाग जाने के जो रास्ते होते हैं वहाँ पे भी बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी देखने को मिलती है। एंड सीरियसली आप देख सकते हैं यहाँ की माउंटेन सीनरी कितनी मस्त है। आई वुड लिटरली सजेस्ट एवरीवन कि आप अपने लाइफ में एटलीस्ट 1 टाइम ज़रूर इधर आए, बिकॉज अगर आप एक बार आएंगे आपको बार बार आने का मन करेगा। ओके सो फ्रेंड्स, हम रामबाग पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से गार्डन दिख रहा है। सो या हम पहुंच चुके हैं रामबाग। आप देख सकते हैं ये है इसकी एंट्री। आप देख सकते हैं इसे बहुत ही ओपन एरिया में बनाया गया है एंड यहाँ पे खाने पीने का भी सिस्टम है। आप देख सकते हैं, मतलब यू नो, यहाँ पे पूरे फूड का भी अरेंजमेंट है। या आप देख सकते हैं ये है गार्डन की एंट्री। दादा,
एंड अब हम गार्डन में एंटर करने जा रहे हैं। सो आप सीरियसली देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स हैं एंड इवन ग्रीनरी भी बहुत ही अच्छी है एंड इवन यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत ही प्यारा है। सो आप देख सकते हैं ये एंट्री करने के बाद सामने का व्यू है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वॉकिंग का पाथ है इसके साइड्स में भी पूरा फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ है। लिटरली आप देख सकते हैं कि कितने ब्राइट फ्लावर्स के कलर्स हैं एंड ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरी स्विंग है एंड आई थिंक इसमें अराउंड 5 स्विंग्स हैं एंड एक स्विंग पे 3 जन बैठ सकते हैं। एंड ये जो स्विंग के पास यहाँ पे दूर से एक पॉन्ड भी दिख रहा है। सो अब हम चलेंगे पॉन्ड के पास। आप देख सकते हो ये बहुत ही बड़ा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पॉन्ड है। एंड आप देख सकते हैं पॉन्ड के जस्ट सामने एक बैठने की भी अरेंजमेंट है एंड आई थिंक ये बहुत ही परफेक्ट स्पॉट है फोटो क्लिक करने का। तो मैं आपको पॉन्ड को और पास से दिखाती हूँ। एंड पॉन्ड के जस्ट सामने प्लेग्राउंड भी है बच्चों के खेलने के लिए एंड यहाँ पे बहुत ही भीड़ है। सो मैं आपको प्लेग्राउंड में लेकर चलती हूँ। प्लेग्राउंड में जाने के लिए हमें फिर से पीछे से जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं साइड्स में कितने कलरफुल पर्पल पिंक व्हाइट फ्लावर्स हैं। एंड यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं भैया हैं वो बहुत सारे कलरफुल टॉय सेल कर रहे हैं। सो गाइज हम प्लेग्राउंड में पहुंच चुके हैं एंड आप यहां पे देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं। तो ये रामबाग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग का टाइम मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग में 8 to 11 में तक रहता है एंड इवनिंग में 4 to 9:30 तक होता है। एंड ये आप देख सकते हैं कि सामने मंदिर है।
एंड आप सामने देख सकते हैं पाथ में कितने ब्यूटीफुली हार्ट शेप में डेकोरेट किया गया है सारे प्लांट्स को। एंड आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, लाइक यू नो हार्ट शेप में पूरा पॉट से डेकोरेशन की है। एंड आई थिंक ये शाम को ये लाइक ग्लो भी करता है बिकॉज इसमें लाइट्स भी लगे हैं। एंड आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं। सामने देख सकते हैं वहाँ पे लाइक स्टोन्स लगे हुए बड़े बड़े और वहाँ पे लोग फोटोज भी खिंचवा रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा एक डेन टाइप बना हुआ है एंड लोग इसके ऊपर जा रहे हैं एंड ऊपर से फोटो क्लिक कर रहे हैं। एंड यहाँ पे इसके ऊपर से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। ये सामने फाउंटेन है एंड अभी ये चालू नहीं हुआ है, आई थिंक शाम हो जाएगी तो चालू, आई थिंक अभी तक तो इसे हो जाना चाहिए था चालू। एंड वहाँ पे हार्ट शेप में पूरा लाइक फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ है एंड वहाँ पे लोग फोटोज भी क्लिक करवा रहे हैं। एंड गाइस ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे ऊपर ना बहुत तेज तेज हवा चल रही है। एंड सडनली गाइस यहाँ पे फाउंटेन ऑन हो गया है एंड वहाँ पे लाइट्स भी लगे हैं फाउंटेन के साइड्स में। फाउंटेन के सडनली चालू हो जाने की वजह से यहाँ पे शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना ब्यूटीफुल फाउंटेन है। एंड थोड़ा और अंधेरा होने के बाद ये और कलरफुल हो जाएगा बिकॉज इसमें लाइट्स भी लगे हैं, तो फिर लाइट से ये ग्लो करेगा ये पूरा फाउंटेन। सो गाइज मैं नीचे जाके आपको इस डैम का पूरा फुल लुक दिखाती हूँ। एंड ये नीचे से कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं ये सामने फ़ोटो क्लिक करने के लिए भी एक जगह दी गई है। सो ठीक है गाइज अब मैं आपको नीचे से फाउंटेन का लुक दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं नीचे से कुछ इस तरह से फाउंटेन दिखता है। एंड एक्चुअली गाइज फाउंटेन के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो ये जो मैंने आपको डैम के ऊपर से फ्लावर का एक हार्ट शेप में डेकोरेशन दिखाया था ये वो है। एंड यहाँ पे वॉशरूम का भी अरेंजमेंट है एंड इसके पास भी बहुत अच्छे से फ्लावर से डेकोरेशन किया गया है। सो गाइज ये आप देख सकते हैं कि अंधेरा भी होने लगा है एंड यहाँ पे हर जगह की लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि कलरफुल लाइट्स ऑन हो गए हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं अंधेरा होने की वजह से कलरफुल लाइट्स भी ऑन हो चुके हैं।
देख सकते हैं कि फुटपाथ की साइड में भी लाइट्स लगी थी और अभी ऑन हो गए हैं तो पता चल रहा है। सो गाइस अब हम रिटर्न जा रहे हैं एंड सामने इधर मैंने आपको स्टार्टिंग में फूड का जो ये सेक्शन दिखाया था ये है एंड यहाँ पे भी छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं। तो हमने प्लान किया कि हम मोमोज खाएंगे। जब तक हमारा ऑर्डर तैयार हो रहा है मैं आपको यहाँ का पूरा टूर करवा देती हूँ। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं पानी पूरी के, वड़ा पाव के और भी बाकी स्टॉल्स लगे हैं। शॉर्मा का भी स्टॉल है। जो हमने मोमोज ऑर्डर किए हैं जो फ्राइड मोमोज हैं वो 110 के वो 12 पीसेस दे रहे हैं बट हमारे यहाँ पे 130 के सिर्फ 10 पीसेस मिलते हैं फ्राइड मोमोज। तो आई थिंक यहाँ पे बहुत चीप भी है, लो प्राइसेस में मिल जाता है एंड इवन ये जगह बहुत हाइजीनिक भी है। तो आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल चटनी है। हम जो मोमोज लेते हैं वो सिर्फ दो चटनी तरह की चटनी देते हैं एंड इनकी जो चटनी है वो होममेड है, उन लोग ने हाथों से बनाया है घर पे। बिकॉज ये जो यहाँ पे हैं लोग वो गांव वाले हैं एंड हमने फिश भी ऑर्डर की है, फिश के साथ हमने राइस की रोटी भी ऑर्डर की थी। सो फ्रेंड्स मैं खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि मैं आपको नाइट का भी व्यू दिखा देती हूँ गार्डन का। सो आप देख सकते हैं पूरे गार्डन में लाइट्स है पूरी एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी ग्रीन लाइट्स ऑन है साइड में एंड यहाँ पे जो स्विंग थी वहाँ पे भी पूरे लाइट्स से पूरा सजा हुआ है। सो चलिए चलते हैं फाउंटेन के पास, मैं आपको फाउंटेन भी दिखा देती हूँ। आप ये देख सकते हैं कितना कलरफुल फाउंटेन दिख रहा है लाइट्स की वजह से। सो ओके गाइज अब हम रिटर्न जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा गार्डन था हमारा, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा एंड यस मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर इधर आएँ। अगर आप नवी मुंबई में हैं तो फिर आप उल्वे में ज़रूर आए, इधर बहुत ही प्यारा गार्डन है रामबाग। सो यस गाइज अब हम ऑटो में बैठ चुके हैं एंड हम जा रहे हैं घर पे रिटर्न। सो यस गाइस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। सो ओके गाइस अब हम घर पे पहुंच चुके हैं एंड हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा रामबाग में। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।